हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आया हूँ मोढेरा के सूर्य मंदिर में, जो महिसाणा से 25 किलोमीटर की दूरी पर आता है। उसका निर्माण ईस्वी सन 1026 में किया गया था। ये सोलंकी वंश के राजा भीमदेव सोलंकी ने ये उसका निर्माण किया गया था। ये पुष्पा नदी के किनारे पर आया हुआ है और ये मंदिर को तीन भाग में बनाया गया था। पहला है सूर्य कुंड, फिर आता है सभागृह और उसके बाद आप देख सकते हो वो है गर्भगृह। चलो आज मैं उसकी पूरी विजिट कराता हूँ। ये है गाइस टिकट बाड़ी, जो इंडियन के लिए 25 रुपीज टिकट है। और ये कार का पार्किंग है, जो आप फोर व्हीलर लेके आते हो तो उसका 20 रुपीज टिकट है। और ईवी गाड़ी लेके आते हो तो यहाँ चार्जिंग स्टेशन भी उपलब्ध है, जो आप सामने देख सकते हो। ये चार्जिंग स्टेशन है, चार्ज कर सकते हो। चलो मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ। यह शाम को 7 बजे लाइटिंग शो होता है, जो 20 से 25 मिनट का होता है। उसमें कोई अलग फी नहीं होती और सिर्फ मंडे के दिन ये शो बंद रहता है। अगर आप मंडे के दिन आते हो तो ये शो दिखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से कुछ आपको सन टेम्पल दिखाई देता होगा, आपको मैं आगे लेके जाता हूँ। यहाँ अब देख सकते हो जो मंदिर के कुछ छोटे मोटे पार्ट्स रखे हुए हैं, जो खंडित हो चुके हैं पूरे। ये लाइन में पूरी दोनों साइड पार्ट्स रखे हुए हैं। चलो हम चलते आगे। यहाँ से आप देख सकते हो ये सन टेम्पल कितना खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से। चलो आपको आगे से मैं दिखाता हूँ। आपको मैं बता दूं कि इंडिया में टोटल 2 मेन सन टेम्पल है। एक ओडिशा में आया हुआ कोणार्क का सूर्य मंदिर और उसके बाद ये आता है गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर है। यहाँ बच्चे देख रहे हो खेल रहे हैं सब। अच्छा सा गार्डन है। यहाँ से आप देख सकते हो जो मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में आता है। ये मंदिर के सामने एक कुंड है, जिसको राम कुंड भी कहा जाता है और सूर्य कुंड भी कहा जाता है। उसके अंदर छोटे मोटे 108 मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि 21 जून और 23 सितंबर को सूर्य की पहली किरण गर्भगृह में जाती है। और अभी यह मंदिर में कोई पूजा पाठ नहीं होती, क्योंकि इस मंदिर में कोई मूर्ति है ही नहीं। चलो मैं अब आपको आगे लेके जाता हूं। यहां से कुछ आपको नजारा दिख रहा होगा सूर्य मंदिर का। चलो अब हम अंदर की बात जाते हैं। यहाँ कुछ 10-15 जैसे पगथिए हैं, यहाँ से देख सकते हो। जो आपके सामने वो दिखाई देता है उसको सभा मंडल बोलते हैं, और जो पीछे वाला है वो मंदिर का गर्भगृह है, जहाँ पे मूर्ति रखी गई थी। चलो हम आगे से पूरा अंदर विजिट करते हैं। यहाँ से कुछ कुंड देख सकते हो, कितना खूबसूरत दिख रहा है। की तरफ जाते हैं। चलो मैं आपको नीचे जाके पूरा मंदिर दिखाता हूँ। यहाँ बंद कर दिया गया है गेट, यहाँ आप देख सकते हो। यहाँ से आप स्तंभ देख सकते हो दो, कितने खूबसूरत, कितने नक्शी काम वाले हैं। यहाँ से आपको ऊपर लेके जाते हैं। जो पहला वाला रूम है उसको सभा मंडल कहते हैं, जिसके अंदर 52 स्तंभ है।
आप उसकी शिल्प कला देख सकते हो। दरेक स्तंभ की यहाँ से कुछ आप बाहर का नजारा देख सकते हो। सूर्यकुंड कितना बहुत खूबसूरत दिख रहा है। चलो अब आपको मैं आगे गर्भगृह में लेके जाता हूँ। आप उसकी एंट्री देख सकते हो, कितनी नक्शी काम की गई है। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो मंदिर का गर्भगृह है जहाँ सूर्यदेव की मूर्ति रखी गई थी। चलो मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ। यहाँ से सूर्य का चिंता किरण गर्भगृह में मूर्ति पर पड़ता था पहले, लेकिन अब तो मूर्ति है नहीं। माना जाता है कि उस समय वो मूर्ति सोने की थी। अब वो कहाँ है कुछ पता नहीं। चलो मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ अंदर जहाँ मूर्ति रखी थी पहले। कुछ दिखाई नहीं देता है, पूरा अंधेरा है, मगर आप उसकी शिल्प कला देख सकते हो। बहुत ही बारीकी से काम किया गया था उस वक्त। माना जाता है कि 13वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण से मंदिर खंडित हुआ था। त्यार से इस मंदिर में कोई पूजा नहीं हो रही है और तब से वो मूर्ति भी गायब है। वो कहाँ है कुछ पता नहीं है। चलो मैं उसकी प्रदक्षिणा करवाता हूँ। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से बंकर बनाई गई थी मोटेरा से पाटन तक। उस समय राजा देव सोलंकी ने उसका निर्माण करवाया था। यहाँ से आप बंकर देख सकते हो जो सीधा पाटन जाके निकलती। नक्शी काम और शिल्प कला वाकई में बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हो। ये उसका नक्शी काम आप देख सकते हो, कितना ही बेहतरीन है। यहाँ से अब आपको हम बाहर ले जाएंगे। बाहर से आपको पूरा मंदिर की प्रदक्षिणा, बाहर से पूरा मंदिर दिखाएंगे, उसकी नक्शी काम ये भी आप देख सकते हो। उसका घुमट टूट गया है। ये पूरा मंदिर उस समय से खंडित हो गया था।
आप देख सकते हो कुछ मंदिर का नजारा। ये भी कुछ उस समय मंदिर का बेस बनाया हुआ था, लेकिन अधूरा ही काम रह गया है उस समय। आप देख सकते हो पूरा बेस बनाया हुआ है और दो स्तंभ भी है वहाँ अभी, मगर काम अधूरा ही छूट गया लगता है। हम आ चुके हैं मंदिर के पीछे वाले हिस्से में, जो आप देख सकते हो। ये मंदिर का पूरा गुम्बद और शिखर पूरा डैमेज हो गया है, और ये आप जारी देख रहे हो उसकी पीछे पुष्पा नदी जा रही है, जो बड़े जाड़ होने के कारण दिखाई नहीं दे रही है। पीछे पुष्पा नदी जा रही है। ये मंदिर का एक ही मार बचा है अब। अब इस साइड से भी देख सकते हो, यहाँ से कुछ नजारा दिख रहा है। चलो गाइस, तो मैंने आपको पूरा मोढेरा का सूर्य मंदिर दिखा दिया है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।